तपिले आज आम पढ़ा रेचन अंग कौन मनीषर रेचन तंत्र किपर सृष्टि ब्रुकक विषय तार गठन कार्य विषय पढ़ा तो आगर लास्ट टाइम जहाँ आम पढ़ी टी प्रश्न पचार दूँ आंसर देवा चेष्टा कर रेचन क्या कह रेचन कौन रेचन क्या कह कौन है रेचन रेचन क्या कहुए रेचन तंत्र क्या कहुए पचारे ना रेचन क्या कहुए जो दिन पाठ से दिन कंप्लीट करदी ताले कौन सी प्रकार चेंज हम ना नो इम्प्रूवमेंट ठीक अच्छे रेचन तंत्र मध्यम शरीर डेस बर्ज्य वस्तु आकार निर्गत हुए कौन कौन सब बाहर एमोनिया शरीर डेस सार नियोजित हेले एमोनिया निर्गत हुए सार आमर यूरिक एसिड क्यों मैंने त्याग करती यूरिया संकेत डेस रे रक्त यूरिया पृथक हुए ओके तो देख नोट आउ थे लिख नोट बाहर कर दियो समस्ते आज टॉपिक रो नोट तुमको डाकदेवि प्रश्न सहित तार आंसर तुम लिख मत पठेब ठीक अच्छे देख मनीषर रेचन तंत्र ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय आदि को लेकिन गठित अलरेडी चित्र तुम देखी पार्च ए देख बुक ओपेन कर चित्र देख चित्र देना मनुष्यर रेचन तंत्र चित्र 4.1 कौन कौन अच्छी देख मध्य छदा आमर हार्ट्र जस्ट तल को जो आम रही था बोनटा तार भितरटा को कहुए मध्य छदा ब्रुककीय शिरा अच्छी ब्रुककीय धमनी अच्छी ब्रुकक अच्छी एक्जाक्ट ब्रुकक जोटा किडनी कह मूत्र सारणी मूत्राशय मूत्र मार्ग जो बाट दे कि परिस्राव आउट हुए नहीं कि तो केमी गठन होण हो देख पिले प्रथम कथा है ब्रुकक विषय जो आम पढ़ा मनीषर मध्य छदार ठीक तलक उदर गहर भितर मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटा ब्रुकक रही एक्जाक्ट लोकेशन लेख ब्रुककर अवस्थिति केउंठी एक मार्क वाला लेख ब्रुकक्र अवस्थिति केउंठी क्लियर ब्रुकक्र आकृति किपरी किपरी पिले गोटे सिंब मंजी भलिया गुरुवार पूजा रे व्यवहार होची जानिथिबो घंट तरकार रे पड़े गोटे मंजी सिंब मंजी देखिच घंट तरकारी गुरुवार पूजा रे हाँ मंजी जाक पड़ी तरकारी गोटे तैयारी हुए गुरुवार पूजा खास करके माणवसा गुरुवार पूजा रे तैयारी हुए घंट रे पड़ी थाए मझे एमती ब्लाक कलर रो स्पॉट थाई कि सेमिति देखा जाए बड़ आकार रो ठीक अच्छे सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर ब्रुककर लंबाटा प्राय हम 10-12 सेमी सेमी मीटर नुह प्रस्त प्राय 5-7 सेमी और मोटे प्राय 3 सेमी लेख सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर ब्रुककर आकार किपर आकार मतलब तीन टा जगह लिख लंब केते ओसार केते तार चौड़ा केते अच्छे मोटेटा ठीक सेमती बोले ब्रुकक भितरपटे तार गोटे अंश अच्छी हाइलेम कहुए कौ अंश को खालुआ अंशटा को हाइलेम कहुए देख चित्र देखिए हाइलेम कौन ये जो खालुआ अंश कौन आपको हाइलेम ठीक अच्छे ओके तापरे हाइलेम मध्य दे ब्रुककीय शिरा आउ धमनी आ मूत्र सारणी ब्रुकक सहित संयुक्त होई ए हाइलेम दे कि ही तीन टा जाक जिनस कनेक्ट होई पिले हाइलेम दे कि कौन कौन शिरा धमनी आउ मूत्र सारणी कनेक्ट होकी रही मूत्र सारणी दे ब्रुकक रु मूत्र मूत्राशय को आसे मूत्र सारणी दे कि ही परिस्राटा कौटिकी आसब
मूत्राशय भितरक आसे से आउट हम नहीं कि प्रेसर आसे जो तुमको तापर ब्रुकक गठन केमी मन देखिए बुझ कहीं बोरींग एक तो टे बोर लगे टपिकटा कहीं तुम सागे सागे मेन्टाली कनेक्ट कर पार्बन चित्र आगे भल दबा कथा आगे थ्री डी जमी आम सीबीएसई पिला सेमती था भल होता देख प्रत्येक ब्रुकक भितर रही दस लक्ष रु अधिक अति सूक्ष्म ब्रुककीय नलिका पे 10 लाख रु अधिक छोट छोट नलिका रही ब्रुकक है मूत्रजन नलिका बा नेफ्रन जहाँ कौच तीन टा देख गोटे मूत्रजन नलिका बा नेफ्रन केते रही लेख क्वेश्चन लेख केतोटी नेफ्रन रही पाखापाखी केते नेफ्रन मनीष ब्रुकक भितर रही था हेला मोर देन 10 लाख हेला प्रति ब्रुककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना आकृतिर होइथाय चित्र देख ताको कोन कहा जाए बायोमैन्स कैप्सूल ए कप आकृति को बायोमैन्स कैप्सूल कहा जाए साइंटिस्ट बायोमैन्स कैप्सूल कौन विलियम बायोमैन 1816 92 जन्म डेथ डेटा नाम अनुसार यार नाम दिखाई पिले डोंट बी कन्फ्यूज हियर इट कन्फ्यूज हेनी है कौटि अच्छी देख बायोमैन कैप्सूल प्रथम ऊपर चित्र कि नहीं देनी तल चित्र बायोमैन कैप्सूल कौटी अच्छी देख कप आकृति जिनस को कौन कहुए बायोमैन कैप्सूल देख नेफ्रन रोटे अंश 10 लक्ष जो नलिका कहला से भितर गोटे नलिका हूँ गोटे नेफ्रन मान 10 लक्ष नेफ्रन अच्छा एमती भी तुम्हें कहींपर से भितर गोटे चित्र अभी तुम देखु से चित्रटा हूँ एवं जहाँ डिस्प्ले पर चित्र देखु तुम्हें ये हूँ गोटे नेफ्रन रंशटा तार अर्थ के छोट मानने माइक्रो लेवल आम कथा आईडिया कर केवल अति स्वल्प लेवल को जाए कथा किडनी किडनी तो ये छोट अलरेडी सेमी अच्छी ना से भितर आउ थे नेफ्रन 10 लक्ष नेफ्रन से भितर तुम गोटे नेफ्रन रिच्छी अंश आमको ए शो कराई तो पावरफुल माइक्रोस्कोप द्वारा ये जिनस सबू तुम्हें देखिपार तो प्रति नेफ्रन सहित संयुक्त रही किसी ब्रुककीय धमनी गोटे लेखाए सूक्ष्म शाखा जहाँ को एफोरेन्ट अंतर्वाही उपधमनी कहुए वेरी इंपोर्टेंट मन रख लेख एफोरेन्ट अंतर्वाही उपधमनी कौन कौन मतलब हूँ कौटे कनेक्ट हो लिख है आर कम कौन पिले आ ना कौन प्रथम आगे गोटे थोड़ा रिपीट कर मो सहित एफोरेन्ट अंतर्वाही उपधमनी ये एंट्री कला किडनी भितर को एंट्री कला तो ये हूँ एंट्री वाला गेट ठीक अच्छे यह नेफ्रन भितर प्रवेश करी ये कौन है पिले नेफ्रन भितर प्रवेश कला ठीक अच्छे नेफ्रन भितर प्रवेश करेक अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा व कैशिक नई में परिणत होता है चित्र देख एफोरेन्ट उपधमनी कौटी अच्छी पिले एफोरेन्ट उपधमनी ए पाखरे लेफ्ट साइड तुम दे चित्र बुझिपार तो सी कौटी प्रवेश कला केमती प्रवेश कर देख लितर को एंट्री मारा जोपटे रक्त जाऊँगी से भितर भितर को जाकि अनेक शाखा प्रशाखा विभक्त हो कैशिक विभक्त होशिक नली नेफ्रन भितर प्रवेश कर अनेक सूक्ष्म शाखा प्रशाखा कैशिक नली में परिणत होता है ये सबू कैशिक नली परस्पर सह पुणी मिसी जावा द्वारा इफरेन्ट बा बहिर्वाही उपधमनी जात हुए कौन पिले नेक्स्ट कौन जात हूँ बहिर्वाही उपधमनी माने एंट्री मारा जोपटे से कहा जाए एफोरेन्ट उपधमनी बिछे रहा पुणी आउटसाइड जोपटे गला से कह जाए इफरेन्ट उपधमनी तो या भी अंडरलाइन कर व्हाट इज लेख कौन इफरेन्ट उपधमनी कौन ये जो कैशिक नली जगह अच्छी पिले भितर जो गुछे तुछे देखा जाऊँ सब गुड़े तुड़े होना भितर जहाँ से सबू कौन अत्यंत कौन कैशिक नली गुड़िक प्राचीर खूब पतला मानने सफ्ट पतला आवरण या दुईटी उपधमनी संश्लिष्ट कैशिक नली गुच्छ गुड़ी
कैसिका गुच्छ बा ग्लोमेरुलस कुहा जाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट ग्लोमेरुलस कौन लेख ए जो ग्रुप ए की अच्छी कौन कह जाए ग्लोमेरुलस तो पहले कौन तो अच्छा कौन हो ही भावुच कह देखा चल न पढ़ी मत आईडिया कर चित्र देखिए मुझे कौन लगुच कौन हो ही एंट्री मारला बिछे जाल भाया रहा आउ थे गोटे सूता हो पलैला कहीं सेम जदि भी ईश्वरीय शक्ति किए बन कहीं बन सेमती गोटे पटे रक्त आम जानते रक्त आम यूरिया कौन संपूर्ण द्रवणीय यूरिक एसिड तो नुह मनीष कौन त्याग करें मनीष विषय में पढ़ुं यूरिया एंट्री मारला गोटे पटे रक्त सहित मिसिकी अबियसली से भितर रक्त छणा कम होब रक्त आउ थे देह भितर को चली इफोर एंड देकी बहिद धमनी देकी से भितर किडनी भितर संचित कौन हो गला परिस्रा यूरिया सीए मूत्र सारणी देकी आमर मूत्र मूत्राशय भितर को एंट्री कर ये हिंद होना कौन हम कम फिल्टरेसन किडनी काम हो फिल्टर करवा चित्र देखने भी जना पड़ी एति जिन कप आकृति से जगह खालुआ आकृति कपटा कप आकृति में जमा होकर रोठू सी शोषी होटी की मूत्राशय भितर को जीव मोस्टली एति ही कम हो पा देख पे पढ़ला बेले सब माइंड को एक्टिव रख आउ नहीं कि चिंता करने को चेस्टा करू था सब जहाँ पढ़ेली मुझे जिनस नुह आगु एवं चित्र देखिक तुम निज आईडिया करी था कि नहीं टे भाई कह देखा साइलेंस पूरा हो जाऊ सन्नाटा सेमती नुह मन रखा पड़ो ठीक अच्छे बुझे पड़ो बायोमेन कैप्सूल कप्रे जोखा होता है अभीयसली तो जो आम कह ग्लोमेरुल सी कौटे कनेक्ट होए बायोमेन कैप्सूल कौन गिना आकृति कप आकृति अभीयसली सीटे संचित हे महुपेणा भाया रही बाकी रक्त पल रक्त बाटर ये रही है कि तो रक्त अंतर्वाही उपधमनी दे कैसिका गुच्छा प्रवेश कै बहिर्वाही उपधमनी दे गुच्छ बाहर को चली जाए नहीं कि लेख ग्लोमेरुलस कौन लिखिल ना ग्लोमेरुलस केउठी जोखा हो रही थाए ग्लोमेरुलस केउठी जोखा हो रही थाए सी कहला रक्त छणा कार्यपाई ए व्यवस्था बेस उपयोगी ग्लोमेरुलस और बायोमेन्स कैप्सूल मिसी मालपिजियान पिंड कर्पसल गठन करती पिले कौन रक्त छणा कम हो दुटा जाक मिसला तुम कौन कह कप्सल लिख दिव ह्वाट इज कप्सल कौन कप्सल क्या कह कर्पसल कर्पसल है तो सर हलंत अच्छी या कहा जाए मालपिजियम झिलिका क्या नाम अनुसार होता मार्सिलो मालपिघी ठीक अच्छे यहाँ नाम अनुसार होता पिले वैज्ञानिक नाम मन रख तापर ब्रुककीय नलिकार केतेक अंश माने बायोमेन्स कैप्सूल व्यतीत आउ किसी अंश ब्रुक भितर गुड़े तुड़े रही शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नलिका मध्य पशि थाए मूत्र संग्रह नलिका गुड़िक एकाठी हो ब्रुक भितर एक गहर भितर को खोली था गहरटीर नाम हूँ गबीण बस्ती चित्र में जाकि गोटे थर चेक कर दिव गबीण बस्ती कौट अच्छी परिशेष कलेक्शन करेंगे सब परिश्रा को गबीण बस्ती ओपेन हो जगह ठीक अच्छे से कौन हम देख गबीण बस्ती कौन लिखिद गबीण बस्ती कौन गबीण गबीणी बस्ती क्या कह जाए तो प्रत्येक ब्रुकक गोटे लेखाएं मूत्रसारणी बाहरी तली पेटर थी मूत्राशय भितर पशि थाए मूत्राशय मूत्र संचित हो रहे आश्रा कला बेले मूत्र मार्ग दे निष्कासित हुए कम तो ये फिल्टरेसन फिल्टर उपर हो कलेक्शन है कि सी गबीण बस्ती के आसिक डायरेक्ट कनेक्शन थाए गबीण बस्ती कौटिकी मूत्राशय पाखक मूत्राशय आसिक परिश्रा स्टोर है तुमको प्रेसर आसवा स्टार्ट हुए तुम कह सार बाहर को जी प्रेसर ठीक अच्छे तो मूत्र मार्ग देखिए निष्कासित होता है यूरीनरी ब्लाडर मूत्राशय को कौन कहुए यूरीनरी ब्लाडर मूत्र सारणी क्या सहित संयुक्त होता है लेख
ओके तो हाँ ग्लोमेरुलस व्हाट इज ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस विषय टी पढ़े आम ग्लोमेरुलस आउ कौन मिसिकी मालपिजियन झिलिका गठन करती ग्लोमेरुलस आउ बायोमैन कैप्सूल मिसिकी तो ग्लोमेरुलस कार्य आम एक्सट्रा टी पढ़ा पीले ग्लोमेरुलस विषय देख उपर कि अच्छी ना ग्लोमेरुलस विषय ग्लोमेरुलस रक्तछणा कार्य संपादित होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेस रक्तछणा काम संपादित हुए लेख लेख क्वेश्चन लेख ग्लोमेरुलस भितर थिबा अति सूक्ष्म रंध्र दे रक्तर थिबा रक्तकणिका और किसी बड़ अणुविशिष्ट प्रोटीन परिसृत हो पारे ना छोट गोटे जिनस बड़ जिनस तो एंट्री मारी पारिबो ना पिले कौन हुए ना ग्लोमेरुलस भितर अति छोट छोट जिनस सबू एंट्री करके जापरब ना से तेणु यह व्यतीत अगर समस्त उपादान छाड़ी हुई वृक्षकीय नलिका भितरक चली आसे वृक्षकीय नलिका भितर को एंट्री कौन मार छोटिया छोटिया सबू रक्त बड़ जिनस अच्छे रक्त मिसिक चल जब बाहर को आउ थे बॉडी भितर को अन्य सब जिन कलेक्शन होकर रही कौटी ग्लोमेरुलस रमर ये भितर आम वृक्षकीय नलिका भितर वृक्षकीय नलिका भितर प्रवेश करुवा उपादान गुड़िक भितर कौन कौन जरूरी जल ग्लुकोज एमिनो एसिड यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम पोटासीयम क्लोराइड लेख वृक्षकीय नलिका भितर प्रवेश करुवा उपादान गुड़िक कौन कौन है पे ग्लुकोज आमिनो आम एमिनो एसिड ठीक अच्छे ग्लुकोज आउ कौन एमिनो एसिड ए दुटा आवश्यक शरीर को से दुटा कौन हुए ना उपयोगी होगुड़ निष्कासित न हो वृक्षकीय नलिका को घेरी रही कैशिक रक्त नली भितर को पुनः शोषित हो जाए यही कैशिक रक्त नली मान मिसी वृक्षकीय शिरा रे परिणत हुए एंट्री जहाँ को एंट्री कला धमनी किडनी भितर को बाहर को किडनी जीवन ब्लडटा रखिदेला परे आवर्जना बाहरला परे बाहर को आउ थे बॉडी भितर को जीव सीरा देकी बाहर को जाए तो कौन कौन पुनः शोषित हुए लेख कौन निष्कासित न हो पुनः शोषित होता है शरीर किडनी भितर कैशिक रक्त नली भितर को कौन कौन पुनः शोषित होता है लेख मूत्र निष्कासित हो पदार्थ मान भितर कौन कौन प्रधान हाँ प्रधान इम्पोर्टेन्ट कौन कौन रही मूत्र जहाँ निष्कासित हो भर जरूरी कौन आस मूत्र निष्कासित हो पदार्थ मान भितर मुख्यतः कौन कौन प्रधान पिले कह कि जल यूरिया और अल्प परिमाण यूरिक एसिड क्रिएटिनिन विभिन्न लवण हाँ सोडियम क्लोराइड पोटासीयम क्लोराइड आदि प्रधान मूत्र निष्कासन हो मूत्र निष्कासित हो पदार्थ मान भितर कौन कौन प्रधान अटे ओके लिखिल आंसर लिखिबो घरे गले मूत्र यूरोक्रोम नामक वर्णकणा थिबा हेतु जणे सुस्थ व्यक्तिर परिसरर रंग कौन पिले ईसत हलदिया ठीक अच्छे ईसत हलदिया मूत्र यूरोक्रोम नाम देख पिले मेन जिनस सुस्थ व्यक्तिर परिसरर रंग टिके कौन ईसत हलदिया होता है कहीं यूरोक्रोम नामक वर्णकणा लेख सुस्थ व्यक्तिर परिसर रंग ईसत हलदिया कहीं क्लियर सुस्थ लोकर मूत्र ग्लुकोज प्रोटीन बा कौन सी रक्तकणिका न थाए जदि आसला मतलब किडनी खराब अच्छी जानव भल लोक देह सब जिन आसो कि पिले ये तो पुनः सुस्थ हो चली जाए पड़े ना मूत्र कौन सी उपादान थे अथवा मूत्र वर्णर परिवर्तन देखा दे रोगर सूचना हला ओके सुस्थ लोकर मूत्र डेस न थाए डेस और डेस न थाए लिखिद क्वेश्चन लिखिद
ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ଦେଖ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣ ବାଲାନ୍ସ କରିବ ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବ ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତା ଛଡ଼ା ପରିଶ୍ରବଣ ପୁନଃ ଶୋଷଣ କ୍ଷରଣ ନିଷ୍କାସନ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ଶରୀର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ଲେଖ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖ ତାପରେ ଲେଖ ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ କିପରି ରଖିଥାଏ କିପରି ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ହେଲେ ପିଲେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ବୃକକ ଦେଇକି କାମ ହୁଏ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଆମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ନା କେବଳ ବୃକକ କାମ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଚର୍ମ ଦେଇଯାଏ ଝାଳ ତିଆରି ଚର୍ମର ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ମରେ ରହିଛି ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇ ପରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଝାଳ ତିଆରି ଚର୍ମର ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେସ୍ ଚର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଝାଳ ତିଆରି ପାଇଁ ଚର୍ମରେ ଡେସ୍ ରହିଥାଏ ରକ୍ତରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶୋଷିତ ହୋଇ ପରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଲେଖିପାରୁନ ପିଲେ ବେଗ୍ ଯାଇକି ପ୍ଲେ କରିବ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ହେଲା ଝାଳ ବାହାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନା ପିଲେ କାହିଁକି ବାଲାନ୍ସ କରେ ତୁମର ଟେମ୍ପରେଚର ଝାଳ ବାହାରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା କି ଶରୀର ଶୀତଳ ହୁଏ ପାକତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯକୃତ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପାକତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମର ପଢ଼ିଛ ନା ଯକୃତ ବିଷୟରେ ଯକୃତ ବି କିଛି ତୁମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିତ୍ତରସ ସହିତ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ପରେ ସେଠାରୁ ମଳ ସହିତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଆମର ଯକୃତ ବି କିଛି କାମ କରେ ଯକୃତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲେଖ ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ କିପରି ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ କିପରି ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ପିଲେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି କୋଷ ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା ପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ହିଁ ତାକୁ ଗଣିବ ହେଲା ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବି ରେଚନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ପିଲେ ସିଏ ବି ନିଜ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଖଇର ବା ଟାନିନ୍ ଖଇର ଜାଣିଛ ପାନରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଖଇର ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଟା ଝୁଣାଟା ବି ଅଠା କ୍ଷୀର ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ
ଗଛ କାଟିଲେ ମିଲ୍କ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ନା, ଏଯାକ ସବୁ ଉଦାହରଣ କାହାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉଦାହରଣ ହେଲା କି। ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ, ତେନ୍ତୁଳିରେ କ'ଣ ଥାଏ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ କେଉଁଥିରେ ରହିଥାଏ ଲେମ୍ବୁରେ ରହିଥାଏ। ସିନ୍କୋନା ଗଛରେ ଥିବା କୁଇନାଇନ୍ ଆଉ ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ୍ ପରି ଉପକ୍ଷାର ଯାକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଯାକ ଆଉଟସାଇଡ୍ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଥାଏ ଆବର୍ଜନା ଯାକ, ସେଯାକ କହିବାକୁ ବୋଲେ ଝୁଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଗଛର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉପକାରରେ ଆସେ। ଏହି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷତି ବି ହୋଇନଥାଏ, ସୁତରାଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଦେହ ଭିତରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଆବର୍ଜନା ଯାକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରେ ସିଏ ବାହାରେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ବି ଝୁଣା ଲାଖ ସେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ବାହାର କରୁଛ, ସେ ସ୍ପେସିଆଲ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣି ତୁମେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସିଏ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନଥାଏ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା ବଳକା ପାଣି ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରି ଆସେ। ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ସେ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଯିବ, ପତ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଶୋଷଣ ପାଠରେ ଅନେକ ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନରେ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରସଧାନୀ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓଜନ ହୋଇଗଲେ ପତ୍ର ଶୁଖିକି କଳା ହୋଇକି ଝଡ଼ିଯାଏ, ପତ୍ର ଝଡ଼େଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ପତ୍ର ହେଲା କି। ତ ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଭରା ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ରେଜିନ୍ ଆଉ ଟାନିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ ପିଲେ, ଇଏ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବ ସବୁଯାକ ମିଶେଇକି ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ କିପରି ହୁଏ ଲେଖ। ରେଚନ ଦେଖ ବୃକକର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ପାଠର, ଟିକ୍ କର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଟିକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ବୃକକର ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ନାମାଙ୍କନ ଚିତ୍ର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ସହିତ 7 ଏ ତିନିଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଛ, ମତଲବ ଏ ତିନିଟା ପାଠରୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ପାଠର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପିଲେ ରେଚନ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ତୁମର FA 2 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇତିହାସ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତୁମର ଆଉଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟ।